नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे फलों का राजा कौन। जी हाँ, सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं आम की, यानी मैंगो की। क्या आपको पता है आम की कितनी प्रजातियां भारत में उपलब्ध है? नहीं ना? तो चलिए जान लेते हैं। भारत में हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक लगभग 1500 से ज़्यादा वेराइटी पाई जाती है। इसमें से लगभग 1000 वेराइटियों का व्यापारिक रूप से यानी कमर्शियल उत्पादन किया जाता है, और इन सभी वेराइटियों का स्वाद अलग अलग है। एक भी वेराइटी दूसरी वेराइटी का स्वाद में मुकाबला नहीं कर सकती है, सबका स्वाद बहुत ही अच्छा है। तो बताइए, आपने अब तक कितने आम चखे हैं? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने कौन से वैरायटी के आम अब तक चखे हैं। दोस्तों, भारत के हर एक जगह आम की आसानी से खेती की जा सकती है। हर एक राज्य में अपने अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आमों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, और इन सब का स्वाद अपने अपने एरिया में सबसे अच्छा होता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इन सब प्रजातियों के बारे में जो आपने अब तक नहीं चखी है? उन सब वैरायटियों को हम आपके सामने ला रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, कल रात से मिलते हैं हर रात 9 बजे एक अलग अलग आम की अलग अलग वैरायटी के साथ। सिर्फ भारत की ही नहीं, हम दुनिया भर की प्रजातियां आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे सस्ती वैरायटी से लेके सबसे दुनिया भर की सबसे महंगी वैरायटी तक के आमों की जानकारी हम आप तक लाने जा रहे हैं। तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे हमारे साथ इस आम के खास सफर पर? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप आम की खेती करना चाहते हैं और कमर्शियल खेती किस तरह से की जा सकती है, इसके लिए पूरी जानकारी भरा वीडियो हम जल्द ही आपके लिए ला रहे हैं। अब जान लेते हैं आम के बारे में कुछ और। आम यानी मैंगो, ये नाम कहाँ से आया है? संस्कृत में इसे आमराह कहा जाता है, मलयालम में इसे मान्य कहा जाता है। केरल से पुर्तगाली मसालों के साथ साथ आम और उसका नाम दोनों ही ले गए। ये आम को मांगा बोला करते थे। आम का शास्त्रीय नाम मैंगिफेरा इंडिका है। आमों के उत्पादन में भारत दुनिया भर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया भर के कुल आम उत्पादन का 41% उत्पादन अकेले भारत में होता है। हमारे साथ साथ चीन और थाईलैंड में भी बड़े पैमाने पर आम की खेती की जाती है। आम का उपयोग मुख्य रूप से उसे काटकर खाने के साथ साथ उसकी प्यूरी यानी रस के रूप में किया जाता है। आम का बॉटल जूस, आइसक्रीम और पल्प सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जब सीजन नहीं होता है तब यूज किया जाता है। उसी के साथ साथ मैंगो का पाउडर भी बनाया जाता है और इसकी वाइन भी बनाई जाती है। कच्चे आमों का अचार हम सबका मनपसंदीदा रहता है। आमों को इस सभी रूप में यूज किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत से निर्यात होने वाले आम हमारे लिए करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा का साधन बना हुआ है। भारत के आम दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इनमें सबसे ज्यादा डिमांडेड अल्फांसो, दशहरी और केसर ये वेराइटियाँ हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, हम कल आपके लिए ला रहे हैं, अगर आम फलों का राजा है तो आम का राजा कौन? चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। इस पहले को भी हम वही बेसो जाएंगे। तब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।